हेलो गाइज, टू ऑल ऑफ यू ऑल एवरीवन। तो दोस्तों, हमारे चैनल इसकी सत्यम शिक्षा मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों जो हमारे चैनल है ये स्पेशल मैथमेटिक्स के लिए है, और आज का सेशन जो है दोस्तों वो मिनिमा और मैक्सिमा पर है। दोस्तों मैक्सिमा और मिनिमा पर है दोस्तों, कि कैसे मिनिमम मान और कैसे अधिकतम मान, मिनिमा का मतलब होता है न्यूनतम मान और मैक्सिमा का मतलब होता है अधिकतम मान, कैसे फाइंड करते हैं दोस्तों, चलते हैं उसके बारे में। तो दोस्तों ये जो आप मास्टर क्लास ऑफ मैथमेटिक्स देख रहे हैं ये मतलब हर एग्जाम में पूछे जाएंगे, हर एग्जाम के पॉइंट टेबल के प्रिपरेशन जो कर रहे हैं दोस्तों, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हर एग्जाम में आता है। तो दोस्तों चलते हैं, आप चलते हैं मिनिमा और मैक्सिमा। क्या दोस्तों मिनिमा और मैक्सिमम एंड मिनिमम, दोस्तों आपको मैं पढ़ाऊंगा दोस्तों। मैक्सिमम यानी इसका मतलब होता है दोस्तों अधिकतम और न्यूनतम। क्या होता है दोस्तों इसका मतलब अधिकतम न्यूनतम हम कैसे निकालते हैं? तो इसको निकालने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम जाएंगे माइनस वन से साइन में जाएंगे दोस्तों, माइनस वन से ग्रेटर देन इक्वल साइन थीटा ग्रेटर देन इक्वल जीरो और वन, और ये जो दूसरा होता है माइनस वन से ग्रेटर देन इक्वल कॉस थीटा ग्रेटर देन इक्वल वन, एक और होता है दोस्तों जीरो ग्रेटर देन इक्वल साइन स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन इक्वल वन, और एक और होता है दोस्तों निकालने के लिए ग्रेटर देन इक्वल कॉस स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन इक्वल वन, यानी जब भी परफेक्ट स्क्वायर रहेगा क्या रहेगा दोस्तों आपका परफेक्ट स्क्वायर रहेगा। तो परफेक्ट स्क्वायर का जो मैक्सिमम मान होता है क्या होता है वन, और जो मिनिमम मान होता है मिनिमम जो वैल्यू होता है दोस्तों वो क्या होता है जीरो। इसको पहले को याद रहना चाहिए दोस्तों, निकालने के लिए याद रहना चाहिए। हम चलते हैं निकालते हैं थोड़ा। तो दोस्तों देखते हैं एक क्वेश्चन, जैसे मैं दे दिया आपको साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू आपको बी प्लस यहाँ दे दिया सी। इसको निकालने के लिए दोस्तों इसका डायरेक्ट हम फॉर्मूला बनाएंगे। क्या फॉर्मूला बनाएंगे दोस्तों? इसका मैक्सिमम मान, जो इसका मैक्सिमम मान होगा दोस्तों वो क्या होगा सी, जो होगा सी में प्लस जुड़ जाएगा, क्या जुड़ जाएगा ये जो रूट है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जुड़ जाएगा, और जो मिनिमम मान होता है उसके लिए सी में से क्या सब्ट्रैक्शन हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो दोस्तों आपको बहुत इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है दोस्तों, आप डायरेक्ट यहाँ से मैक्सिमम और मिनिमम मान निकाल सकते हैं। मिनिमा और मैक्सिमा मान यहाँ इस फॉर्मूले से क्या करेंगे आप निकाल सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम क्वेश्चन को चलते हैं, इसी को बनाएंगे दोस्तों, इसी बेस्ट आपको क्वेश्चन सबसे पहले हम यहाँ क्वेश्चन से लेते हैं दोस्तों। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है थ्री साइन थीटा प्लस फोर कॉस थीटा प्लस फाइव दिया है, और इसका क्या पूछ रहा है मैक्सिमम और मिनिमम मान पूछ रहा है। तो मैक्सिमम मान कैसे निकालेंगे दोस्तों? मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे सी यानी फाइव, इसको क्या कहते हैं सी बोलते हैं, यानी फाइव। फाइव में क्या करेंगे दोस्तों यहाँ दोस्तों निकाल लेते हैं, यहाँ निकाल लेते हैं मैक्सिमम मान। तो मैक्सिमम वैल्यू में क्या करेंगे सी यानी फाइव जुड़ जाता है दोस्तों, या जो सी है फाइव जुड़ जाएगा, इसका क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा। थ्री का स्क्वायर क्या होता है नाइन, और फोर का स्क्वायर क्या होता है सोलह, यानी फाइव प्लस ये कितना हो जाएगा ट्वेंटी फाइव हो जाएगा, और ट्वेंटी फाइव का स्क्वायर निकलेगा तो कितना हो जाएगा फाइव हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका टेन हो जाएगा। ये क्या निकला आपको मैक्सिमम मान निकला, और मिनिमम मान निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों यहाँ मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू करेंगे करेंगे फाइव है, फाइव में से क्या करेंगे सब ट्रेक्शन कर देंगे और सब वही रहेगा
थ्री का स्क्वायर क्या होगा 9 और 4 का क्या होगा 16। 25 में से क्या होता है इसका जो वर्गमूल होगा क्या हो जाएगा, ये 3 करेगा तो 5 करेगा, 5 और 5 का क्या हो जाएगा 0। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया कि जो परफेक्ट स्क्वायर रहेगा उसका जो मिनिमम मान होता है 0 होता है, मैक्सिमम मान क्या होता है 1 होता है। तो दोस्तों ये आपका मिनिमम और मैक्सिमम रहा दोस्तों, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आप बनाएंगे, इस फॉर्मूले को अपने रूम पर जाकर कोई भी बुक उठाना और उससे क्या करना प्रैक्टिस करना दोस्तों, आप एकदम 100% श्योर मैं गारंटी देता हूँ दोस्तों कि आपको बन जाएगा दोस्तों। तो अधिक से अधिक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, जो भी आप व्हाट्सएप मीडिया चलाते हैं दोस्तों उसको आप अधिक से अधिक शेयर करें, अपने हमारे एस के सत्यम शिक्षा मैथमेटिक्स के साथ आप जुड़े और औरों को भी जुड़ाए दोस्तों। इस पर बहुत अच्छे से आपको प्रिपरेशन कराया जाएगा हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।